हमने कहा जी मॉर्निंग वॉक हुआ करें, सुबह सुबह नाश्तों से पहले अच्छी बातें होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिंदगी जिंदगी करने कराने का नाम है, जिंदगी इसी चलने चलाने का ही नाम है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा कोई फैसिनेटिंग फैंटेसाइज वर्जन में ना रहे, हकीकत पसंद भी रहे और स्पिरिचुअलिस्ट भी रहे। रूहानी मौजे होंगे, ज़रूर होंगे, जिंदगी ये कायनात है ही पूरा एक रूहानी मौजा। लोगों को समझ ही नहीं आती, हद से ज़्यादा मैथ्स मैथ्स मैथ्स, असबाब होने चाहिए। मैं असबाब का मुनकर नहीं हूँ, असबाब में मेहनत करें, मगर असबाब के बनाने वाले पर भी के लिए भी मेहनत करें। मुसब्बिबुल असबाब जो है, जो सबब क्रिएट करता है, वो अल्लाह है। एंड में आप अपना अल्लाह लेके जाएं, अल्लाह के साथ जीना शुरू करें, अल्लाह से बातें शुरू करें, अल्लाह से दिल लगी लगाएं, अल्लाह के साथ मिनट मिनट पे कलाम करें। टॉक टू अल्लाह, टॉक टू एवरीथिंग रिगार्डिंग अल्लाह, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ लिविंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। पीपल आस्क मी, साहब जी ये बताएं कि अकेले कैसे रहे आदमी, तन्हाई तन्हाई कैसे मिलती, कैसे तन्हाई में जी जाएगी। इंसान की जिंदगी के तो पर्सपेक्टिव्स ही हैं भाई, उसके इर्द गिर्द मजमा होना चाहिए, बड़े बंदे होने चाहिए। शेख साहब आप परफॉर्म करके दिखा देना, करिए 600-700 लोग जो आंखों आंखों वाले साइन के साथ खड़े हैं, आप एक के साथ करके दिखाएं, गल्ला तो बढ़िया है थोड़ी। उसमें आदमी यही कहेगा ना, अल्लाह मुझे तेरे साथ जीने की तौफीक दे। अब जैसे अल्लाह के साथ जीने की तौफीक हो जाएगी, वो भाईजान वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं, मैं रोज जीता हूँ, मैं रोज बातें करता हूँ, मैं रोज डिस्कशंस करता हूँ अल्लाह के साथ। तो यू वो बच्चों के होते हैं ना एक इमेजिनरी फ्रेंड, तो बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बचपना काट लेते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। इमेजिनरी फ्रेंड्स किनका होता है? जिनके पास कोई होता ही नहीं, दे डोंट हैव एनीवन, तो वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते। तो इस कायनात का सबसे बड़ा, अल्लाह इमेजिनरी फ्रेंड तो नहीं है, हकीकी फ्रेंड है। सबसे बड़ा एलिमेंट अकेले जीने का ये है कि अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह को आप कुरान में स्टडी करें, रोज़ अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें, आपको क्या कुछ नहीं, इतने खजाने मिलेंगे, आप में डर ही ख़त्म हो जाएगा भाजन क्या हो जाएगा एंड के। अल्लाह तो है ना, अल्लाह इज़ विद मी एंड थिंग्स आर ऑल फाइन। तो वक्त ज़ाया ना करें, वक्त लगाएं अपने ऊपर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आप हैं पहले, फिर एक टाइम पर आप से हट के आपका गैर है, ठीक है, वो गैर हैं, और उन गैर के लिए मेहनत करें, मुल्क के लिए मेहनत करें, कौम के लिए मेहनत करें, बाहर निकलें यार अपनी ये छोटे छोटे कल्ट्स में से, आज़ाद करें अपने आप को। लोग बुरा कहेंगे शुरू में आपको, लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, शोदेबाज है, शोहरत का भूखा है, ठीक है, पैसा कमा रहा है बैठ कर, पैसे पैसे की कमाई लगी हुई है इसको। अभी मैंने पिछले दिनों हमारे पेज से एक पिक अपलोड की, वो शायद थका हुआ था बहुत ज़्यादा, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वो एक नेगेटिव कमेंट जब आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, अल्लाह हिफाजत रखे इन नेगेटिव कमेंट। कह रहा है यार तेरी थकन को क्या मसला है शेख साहब, पैसे भी तो कमा रहे हैं हम दबा के। अच्छा क्या बात है यार, सलाम है ऐसे लोगों को जो बगैर तहकीक के फतवे लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। कहते हैं ना कि किसी के झूठे होने के लिए इतना ही काफी होता है कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करता है और उसके ऊपर फतवे लगा देता है अगले के। यार हम चाहते हैं हमारी कौम का मिजाज ऐसे बने हैं, लोगों को देख के ना उनकी बेहतरी की बात करें, उनसे अच्छी बात कर देना, अच्छी बात कर दें यार, अच्छी बात करने में क्या मसला है। इफ यू सी समथिंग यू फाइंड समथिंग, मैं किसी बंदे को देखो, किसी का घर देखो, अच्छी बात करें ना आप, मुझे सब बताएं अच्छी बात करने में क्या मसला है। अच्छी बात क्यों नहीं होती लोगों से? बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातें होती, अच्छी बात करें सीखें, अच्छी बात करें। याकुम वजन फाइन जन अकजबल हदीस इला तजस्सुस, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बदगुमानियां दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अक्सर बदगुमानियां झूठ होती है। कितनी ही पावरफुल नेशन बन जाए मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, ये अगले के मैटर में। ला तजस्सुस अल्लाह कहता है डोंट स्पाई इन पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी में तजस्सुस मत करो, लीव देम। अच्छा जब हम बाहर भी थे ना तो गोरे का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, लिव एंड लेट लिव, भाई जियो और जीने दो। आजकल ये लिबरल पर्सपेक्टिव्स का स्लोगन बन गया है,
और वो है आपका अल्लाह भला करे, तो ये तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है भाई यार, ना जियो और ना किसी को बोतर करो, अपनी जिंदगी जियो, छोड़ दो, और जो अगलों के बारे में कर सकते हो ना अच्छी बात कर दो। अच्छी बात नहीं हो रही हमसे, हैं? हमें अपना मंजन बेचने के लिए ना सोशल मीडिया पे तनकीद करनी है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करनी है, तबाह करना है उनको, जेरे ताब लेके आना है अपने कलामों के। व्यूज चाहिए ना, व्यूअरशिप चाहिए भाजन, वायरलिटी चाहिए, मारना तो पड़ेगा किसी को, किसी कोई तो बकरी, कोई तो बलि का बकरा बनेगा ना। तो पॉजिटिविटी में अल्लाह से उम्मीद रखे ना, पॉजिटिविटी में बंदा लेके आ जाएगा। हमारे कितने, हमारा कंटेंट कहाँ कंट्रोवर्सियों से भरा हुआ है, कितना आसान है कंट्रोवर्सियों पे बात करना, लोग मैसेजेस भी इतने करते हैं, इनके बारे में बताएं आप क्या सोचते हैं। भाई मैं क्यों बोला हूं उसके बारे में, मैं क्या सोचता हूं, मेरी सोच उसके बारे में आप पूरी कौम पे मुसल्लत करते हैं, ये कहां लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों को हम अपनी बात सुनाएं और लोग खुद जज करें। एक बेसिक बुनियाद जो है, एक प्रिंसिपल जो है वो होने चाहिए, एक बेसिक प्रिंसिपल एक उस्ताद पढ़ा दे, उसके बाद लोग अपना फैसला खुद कर लें, ठीक है। तो स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में ये काम होना चाहिए कि लोगों के मैक्रो माइक्रोस पैटर्न्स ऑफ फोकसिंग एंड एनालाइजेशन तेज कर दें, तो वो खुद ही अपना लीडर सेलेक्ट कर लेंगे, खुद ही अपने उलमा भी सेलेक्ट कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। तो हैरत है ऐसे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर कि जो लोगों को ये शऊर ना दे सकी कि उन्होंने सेलेक्ट कैसे करना है, हैरत है ऐसे एजुकेशन सिस्टम, हैरत ऐसे तालीमी निज़ाम के ऊपर जो इंसान में शऊर ही नहीं पैदा कर सके। मतलब सोचें कि जब कौम इतनी बाशऊर होगी तो लीडर्स को ऊपर आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब कौम के बड़ों, जब कौम को पता है कि भाई हमने इनको उल्लू कैसा बनाना है, तो वो उल्लू बनाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को पता होगा, जब कंपनीज को पता होगा, जब मार्केटिंग प्रस्पेक्टिव्स को पता होगा कि भाई इनको बेचने का तरीकेकार ये है कि इल्म पढ़ो, तो मैं, यही तो मेरी तहरीक थी कि भाई अगर मारना है ना, अगर शेख आतिफ को मारना है तो शेख आतिफ बन के मारना पड़ेगा ना, तो जाओ बनो, जाओ मदरसों में जाओ, उलमा की खिदमत करो, अरबी सीखो, फिका सीखो, हदीस सीखो, जाओ घर छोड़ो, जंगे लो, गुमनाम हो, हिजरतें करो, दलीसों में जलील हो जाके, तो बन जाएगा शेख आतिफ इंशाल्लाह एक दिन। हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, इसी तरह से वो इंकलाब लाए जिंदगियों के अंदर। तो जब कौम के लीडरों को पता होगा कि भाई इस कौम को हासिल करने की प्राइस ये होगी, कौम इतनी मेहनती हो, कौम पॉजिटिव हो, कौम पढ़ी लिखी हो और कौम बाशऊर हो, उन्हें किसी भी किस्म का फजूल मंजन बेचा नहीं जा सकता हो, दे वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, मतलब फॉरेन कंपनीज भी आके कहें, फॉरेन कंपनीज भी आके कहें कि भाई ये बड़े अजीब लोग हैं, इन्हें माल बेचना आसान नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां आके ये कहें, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ये जो काम कर रही हैं दुनिया, ये आके कहें ना भाई इनको माल बेचना आसान नहीं है, क्यों यार ये बड़े डूंगे लोग हैं, अजीब लोग हैं ये, बड़े गहरे लोग हैं ये, ठीक है इनसे वोट लेना आसान नहीं है, बल्कि ये खुद वोट ले जाते हैं अगले का, तो फिर कितना मुश्किल होगा। कौम बाशऊर होनी चाहिए, पीपल शुड बी इंटेलेक्चुअल, गहराई होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, समझने का क्राइटेरिया होनी चाहिए, ताकि उल्लू बनाने वाले को ये महसूस हो रहा हो कि यार ही इज अ लाफिंग स्टॉक, उल्लू बनाने वाले को ये पता हो कि यार उसका मजाक बन गया, अब कौम इतनी समझदार हो चुकी है, कौम इतनी गहरी है हमारी, तो ये कैसे होगा।